हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आज का ये फोटो एडिटिंग सभी एडिटिंग से अलग होने वाला है। एकदम हार्ड मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हो ये एडिटिंग को, बहुत ही असम लग रहा है। अगर आप भी इस टाइप की होली के लिए फोटो एडिटिंग बनाना चाहते तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, नहीं तो इस टाइप की एडिटिंग नहीं बना पाओगे। एंड गाइस, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही न्यू ट्यूटोरियल देखने के लिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चले गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस, सबसे पहले आपको पी सेट आपको ओपन कर देना है। एंड गैस, आपको ये बैकग्राउंड को भी डाउन कर देना, डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये बैकग्राउंड को मैं काफी हद तक पीएनजी वगैरह ऐड करके बहुत ही अच्छी तरह से बना दी हूँ, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिंपल से आपको ये बैकग्राउंड को डाउन कर देना है। और गैस, ये बैकग्राउंड के ऊपर अभी भी काम बाकी है। तो गैस, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आर्ट फोटो चलाना है। तो ये रहा आर्ट फोटो का ऑप्शन, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आर्ट फोटो का ऑप्शन, यहाँ पर आर्ट फोटो जा करके एक लाइट पीएनजी को ऐड करना है। तो ये लाइट पीएनजी को ऐड करना है, ये सभी पीएनजी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल से आपको ऐड करके, आपको डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। तो गाइस, अभी आपको क्या करना है, ये लाइट पीएनजी को ब्लेंडिंग मोड को आपको चेंज कर देना है। तो ये रहा ब्लेंड मोड, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ब्लेंड मोड, और ब्लेंड करके आपको स्किन कर देना है। ब्लैक एरिया हट चुकी है। अब गाइस, आपको इस तरह से बड़ा कर देना है। बड़ा करके हल्का सा राइट तरफ को ले देना है, बीच में आपको रखना है टॉप पर। और गाइस, आपको यहाँ पर डन कर देना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, आपको ये बैकग्राउंड को फिट कर देना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, अभी आपको क्या है, मोल्ड को फिट करना है। तो आपने जो पीक को आपको लाना है, तो गाइस आपको क्या है, अब फिर से आपको आर्ट फोटो चलना है। तो ये रहा आर्ट फोटो का ऑप्शन, आर्ट फोटो चलना है। अभी आपको अपनी पीक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो गाइस, अभी आपको क्या करना है, जो दूसरा स्टेप हमारी बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो बैकग्राउंड को कैसे आपको इरेज करना है, यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। तो पहले आपको क्रॉप करना है अपनी जो, अगर आपकी जो पीक बड़ा है तो आपको पहले आपको क्रॉप करना पड़ेगा। तो ये रहा क्रॉप का ऑप्शन, यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पर साइड पे आपको क्रॉप कर देना है इस तरह से। तो क्रॉप हो चुकी है। अब गाइस, आपको डन कर देना है। डन करके आपको क्या करना है, इमेज को इरेज करना पड़ेगा जो बैकग्राउंड को। तो इरेज करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट आपको इरेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको इरेज की जो अमाउंट को आपको रखना है, हार्डनेस को 100 रखना है। एंड गाइस, आपको साइज को आपको 20 से नीचे रखना है। तो यहाँ पर मैं 20 के आसपास रखता हूँ। और गाइस, आपको इस तरह से जूम करना है, और यहाँ पर आपको मोल्ड को छोड़ करके आपको बैकग्राउंड को इस तरह से इरेज कर देना है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से बैकग्राउंड को रिमूव कर चुका हूँ, आपको भी इस तरह से रिमूव कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। अगर और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो मेरी दी हुई लिंक से आपको जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैसे बैकग्राउंड को इरेज करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो गाइस, आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करके आपको कैसे आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर आपको नीचे आपको एक शैडो दिखा देगा, आपको उसी पर ही आपको एडजस्ट करना है। तो गाइस, आपको यहाँ पर शैडो के ऊपर इस तरह को हल्का सा बड़ा करके यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लें। तो इस तरह से आपको शैडो के ऊपर ही आपको खड़ा कर देना है इस तरह से मोल्ड को। और गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एडजस्ट करके आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो यहाँ पर डन करके बैक चलना है। अभी गाइस, आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर शू के नीचे आपको शैडो क्रिएट करना है। तो ये शैडो हमें पहले से ही कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ड्रॉ टूल उतना आसान नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको क्या करना है, अभी ड्रॉ टूल पर चलना है। ड्रॉ टूल पर जाकर के बहुत ही आसान तरीके से आपको शैडो को क्रिएट करना है। तो गाइस, आपको क्या करना है, इस तरह से जूम करना है पैर के पास, इस तरह से जूम करना है। एंड गाइस, आपको अभी आपको क्या करना है, आपको कलर पर क्लिक करना है। तो आपको कलर भी दिखा देता हूँ, ये रहा ऊपर आपको कलर, तो कलर पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट करके आपको ब्रश पर क्लिक करना है, कलर के नीचे आपको ब्रश मिल जाएगा। अभी आपको सेटिंग को थोड़ा छेड़ना है। तो अभी आपको क्या है, हार्डनेस को 0 कर देना है। और गाइस, आपको जो ओपेसिटी मिलेगा, आपको ओपेसिटी आपको 50 के आसपास रखना है, और जो साइज को आपको 26 ही रखना है। तो गाइस, आपको सेट पर क्लिक करके इस तरह से जूम करना है। जूम करके आपको क्या है, अभी आपको शू के नीचे इस तरह से आपको हल्का सा ड्रॉ करके आपको शैडो क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्रिएट करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से शैडो क्रिएट हो चुकी है, आपको भी इस तरह से शैडो क्रिएट करना है, बहुत ही आसानी लगेगा। तो गाइस, आपको यहाँ पर शैडो क्रिएट करना है। अभी गाइस, आपको शैडो क्रिएट करने वो क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर डिस्कार्ड कर दे इमेज को, बैक जाना है। तो बैक जाने वो क्या करना है, यहाँ पर होली है तो आपको यहाँ पर फेस के ऊपर तो कलर अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो गाइस, अभी आपको क्या है, फेस के ऊपर कलर अप्लाई करना है एकदम रियलिस्टिक तरीके से। तो रियलिस्टिक तरीके से आपको कैसे आपको कलर को अप्लाई करना है, अभी आपको बताना है। तो गाइस, आपको आर्ट फोटो क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको अपनी आपकी जो जिस भी कलर पसंद लगेगा आपको उसी कलर को आपको सिलेक्ट करके आपको ले जाना है। तो गाइस, आपको यहाँ पर आपको ले जाना है, आपको ग्रीन कलर ले जाना है। तो ये ग्रीन कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको अपने हिसाब से आपको कलर ले जाना है। तो गाइस, आपको इस तरह से जूम करना है, और जूम करके आपको फेस के ऊपर इस तरह से आपको रख देना है कलर को रख करके आपको क्या करना है, अभी आपको इरेज पर क्लिक करना है। तो ये रहा इरेज का ऑप्शन, यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इन्वर्ट करना है। लास्ट में आपको एक इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इन्वर्ट कर देना है। एंड गाइस, आपको रिस्टोर की जो अमाउंट को हार्डनेस को 0 ही रखना है, और ओपेसिटी को आपको रखना है, ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है आपको 60 के आसपास, और जो साइज को आपको 10 के आसपास रखना है। एंड गाइस, आपको इसे जूम करना है, और फेस के ऊपर हल्का सा
राइट साइड तरफ को इस तरह से आपको हल्का सा ड्रॉ कर देना है। बहुत ही अच्छा लगेगा तो वैसे आपको इस तरह से कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करके आपको ओपेसिटी हल्का सा यहाँ पर कम कर सकते हो, या तो यहाँ पर आपको ओपेसिटी कम कर सकते हो, या तो यहाँ पर ब्लेंडिंग मूड आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंड मूड को ही चेंज करूँगा, तो यहाँ पर मैं ओवरली रखूँगा। ओवरली आपको भी रख देना है एंड गैस आपको अभी आपको डन कर देना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर आपको आर्ट फोर चलना है। आर्ट फोर जा करके एक स्मोक इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो इमेज के ऊपर एक स्मोक इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो गैस आपको यहाँ पर आर्ट पर क्लिक कर देना है एंड गैस आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है, एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो गैस आपको ये ट्रिक को अप्लाई कर देना है, आपकी जो पेंट के ऊपर हल्का सा स्मोक इफेक्ट को लाना है और यहाँ पर आपको इस तरह से आपको आदत कर लेना है। बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा। तो गैस आपको अभी आपको डन कर देना है। बहुत ही रील्स लिया है तो गैस आपको इतना काम कर लेना है। अभी गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेस्ट पेंज लाना है। तो गैस आपको फिर से आपको आर्ट फोर चलना है। आर्ट फोर जा करके यहाँ पर आपको ये टेस्ट पेंज को ऐड करना है। तो गैस आपको ये टेस्ट पेंज सिलेक्ट करना है एंड गैस आपको कैसे आपको आजर करना है, आपको लेफ्ट की तरह आपको इस तरह से आजर कर लेना है। बहुत ही अच्छा लगा। तो गैस आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं ठीक से आजर कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, इस तरह से आपको आजर करके आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही अच्छा रीडिंग हो चुकी है। पेंज वगैरह आपको बिल्कुल इस टाइप से फिटिंग करना है एंड कैसा वही आपको कलर कर्सन करना है। तो कलर कर्सन हमें लाइट रूम पर करना है। तो पहले आपको इमेज को सेव कर रहे हैं, तो लेफ्ट से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेव कर सकते हो या तो ड्रॉ टूल पर जाकर भी सेव कर सकते हो। अभी आपको लाइट रूम पर इमेज को ओपन करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको लाइट रूम आपको ओपन कर देना है एंड गाइस आपको ये पिक को भी लाइट रूम पर इनपुट कर देना है। इनपुट करने में आपको क्या करना है, थोड़ी से कलर इफेक्ट को अप्लाई करना है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ ज़्यादा ही कलर है पिक में। तो गाइस आपको अभी आपको क्या है, ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोजर को छोड़ देना है। कंट्रास्ट को हल्का सा माइनस करें तो माइनस आपको रखना है, 20 के आसपास रहना है तो यहाँ पर 90 रखता हूँ। एंड गाइस जो हाइलाइट्स, यहाँ पर हाइलाइट्स पिक में ज़्यादा है तो पिक को यहाँ पर हाइलाइट्स से कम करने के लिए आपको हाइलाइट्स को माइनस कर देना है। तो माइनस आपको रखना है यहाँ पर आपको 19 रखना है एंड गैस आपको माइनस 19 रखना है एंड गैस को शैडोज को इस तरह से प्लस ही करना है। तो प्लस आपको 18 रखना है और जो व्हाइट्स को भी आपको माइनस करना है। तो माइनस आपको 16 रखना है एंड गैस वो ब्लास्ट को हल्का सा प्लस कर रहे हैं और गैस आपको यहाँ पर इसी टूल पर क्लिक करना है, कलर्स टूल पर क्लिक करना है। कलर्स टूल पर क्लिक करके यहाँ पर वो क्या करना है, ऊपर तरह आपको एक सर्कल टूल मिलेगा, आपको मिक्स टूल पर क्लिक कर दें। मिक्स टूल पर क्लिक करने बताओ क्या करना है, जो सेक्शन होंगे पहला कलर की सेक्शन को हल्का सा प्लस करना है, आपको 8 रखना है एंड गैस आपको सेकंड कलर पर क्लिक करना है। सेकंड कलर की लुमिनस को हल्का सा प्लस करना है ताकि फेस ज़्यादा गोरा हो सके। तो इस तरह आपको करना है। तो आपको 22 रखने एंड गैस आपको जो सेक्शन को भी हल्का सा प्लस कर सकते हो। तो प्लस अपनी जो फेस के अकॉर्डिंग आप कलर है तो यहाँ पर मैं 6 रहूँगा एंड गैस जो ब्लू कलर पर क्लिक करें, ब्लू कलर की विग को हल्का सा मैं माइनस करूँगा, हमें 7 रखूँगा एंड गैस जो सेक्शन को हल्का सा प्लस करूँगा, 8 रखूँगा। अभी गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलें और यहाँ पर टेम्पलेट को हल्का सा प्लस कर आपको 4 रखने और जो 10 को आपको माइनस ही रखने, तो माइनस आपको रखना है आपको 14 रखने एंड गैस वो वाइब्रेंस को हल्का सा प्लस करना, प्लस आपको 14 रखने एंड गैस आपको क्या है, अभी आपको इस शेड्यूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्टेक्चर और क्लैरिटी को प्लस करना है थोड़ा हल्का हल्का और स्टेक्चर को आपको ज़्यादा ही प्लस करना है। यहाँ पर आपको ये दिन आपको ज़्यादा ही प्लस करना पड़ेगा। तो आपको रखना है 28 रखना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो 28 रखना है एंड गैस आपको क्लैरिटी को भी हल्का सा प्लस करना है, आपको ज़्यादा नहीं, आपको 10 रखना है एंड गैस आपको क्या है, आपको यहाँ पर लास्ट में आपको शार्पनेस देना है। हमें इसी तरह आपको शार्पनेस को हल्का सा प्लस करना है। तो शार्पनेस को आपको रखना है यहाँ पर आपको 35 रखना है और हल्का सा नॉइज रिडक्शन भी आपको हल्का सा प्लस करना है। आपको 35 ही आपको रखना है, जो नॉइज रिडक्शन भी आपको 35 रखना है और जो और गैस आपको यहाँ पर ऊपर चले जाना है, ऊपर आपको यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है। तो ये रहा फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है और गैस आपको कौन से फिल्टर को अप्लाई करना है, यहाँ पर आर्टिस्टिक 4 को अप्लाई करना है। तो आर्टिस्टिक 4 को अप्लाई करके आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस आपको रखना है, तो माइनस आपको 30 के आसपास रखना है। तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो, अभी आपको डाउन करके बैक चले, तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारी एडिटिंग। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही नहीं होगा सकता फोटो का मिस ना रहे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।